नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। सीटेट 2019 के लिए आवेदन करते समय यदि आपने भी किसी एप्लीकेशन के फील्ड में गड़बड़ी कर दी है और सुधार के लिए आप अवसर ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि किन फील्ड्स में CBSE आपको अलाउ करता है अपना फॉर्म करेक्ट करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं करेक्शन संभव है या नहीं। तो आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पर आएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 7 नंबर, करेक्शन अपडेशन इन डिटेल्स। दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म में करेक्शन संभव है, आप देख सकते हैं। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स कैन बी मेड ऑनलाइन विद इफेक्टिव फ्रॉम 27 सितंबर 2019 टू 3 अक्टूबर 2019। दोस्तों, यानी कि 27 सितंबर 2019 से लेकर के 3 अक्टूबर 2019 के बीच में आप सीटेट 2019 के एप्लीकेशन में लॉगिन हो करके जो भी फील्ड आपकी गड़बड़ हुई है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि किन फील्ड्स में आपको मौका दिया जाता है CBSE के द्वारा करेक्शन करने के लिए। आप लास्ट लाइन देखिए, पेज नंबर 4 के, द कैंडिडेट्स शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, दैट इज नेम, यानी आप अपने नाम में करेक्शन कर पाएंगे, फादर नेम में करेक्शन कर पाएंगे, मदर नेम में करेक्शन कर पाएंगे और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा आपने जो कैटेगरी फिल की है, जनरल OBC SC ST या फिर PH या फिर जो भी हो, उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं आप, और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में भी आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा पेपर ऑप्टेड, यानी कि अगर आपने अप्लाइंग फॉर्म में पेपर 1 सेलेक्ट किया था या फिर पेपर 2 सेलेक्ट किया था या फिर बोथ पेपर सेलेक्ट किया था, तो उसमें अगर आप करेक्शन करके कोई दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक ही पेपर देना चाहते हैं, या फिर एक पेपर अगर आपने सेलेक्ट किया था और दोनों देना चाहते हैं, तो इस मामले में भी आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, यानी कि जो अपर प्राइमरी का पेपर होता है सीटेट के लिए, उसमें आपको सब्जेक्ट चुनना होता है सोशल साइंस या फिर मैथमेटिक्स और साइंस में से, तो उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर, आपने जो एग्ज़ाम सेंटर दिया था उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे, और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ऑप्टेड, अगर आपने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत या फिर कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन की वजह से गलती कर दी है लैंग्वेज चुनते समय, तो आप दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार का जो आपने एड्रेस दिया था उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे, और लास्ट में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ वेयर ही शी ऑब्टेंड हिज BA डिग्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ETC, यानी कि जो आपने अपना बोर्ड नेम चुना था या फिर कॉलेज नेम या फिर इंस्टीट्यूशंस नेम चुना था, उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपके 2 या फिर 3 फील्ड्स में गड़बड़ी है तो आप एक ही बार सभी फील्ड्स को सही करते हुए फाइनल सबमिट करें, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करेक्शन का मौका CBSE के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट्स को मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।